नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। मेंस की तैयारी अब लगभग ख़त्म होने वाली है आपकी। सभी वीडियोज हम डाल चुके हैं, 10-5 और जो रह गई हैं वो जल्दी जल्दी बैक टू बैक डाल देंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी परिपूर्ण कर लें और उसके बाद रिविजन कर सकें। इसके अलावा जो भी आपके भाई बंधु या दोस्त पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभिनय शर्मा अभिनय मैथ्स पे भी 30 क्लासेस ले रहा हूँ। सुबह मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा स्पेशल क्लास ले रहा हूँ 18 अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लाइव एसएससी पे चला रहा हूँ। इन सब के अलावा अगर किसी को अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है, उस एनवायरनमेंट में पढ़ना है कि नहीं मुझे क्लास के अंदर ही पढ़ना है फीस पे करके, तो उनके लिए ऑप्शन है कि मैं अभी 6 अक्टूबर से फाउंडेशन एडवांस क्वांट्स बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 6 अक्टूबर को। यानी कि ये फाउंडेशन बैच है, जैसे कि प्री वाला हमारा बैच चल रहा था जिसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, उसी तरीके का ये एडवांस मैथ्स है। किसी बच्चे को अगर सीपीयू और सीजीएल के लिए स्पेशल एडवांस मैथ्स करना है जिसको बेसिक्स आते हैं, उनके लिए मैं 10 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच में क्या क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ, अभिनय शर्मा मेरा नाम है, क्वांट टीचर हूँ मुखर्जी नगर में, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। खुद मैंने सीजीएल 5 बार क्वालिफाई किया, 197.5 नंबर आए मैं इसमें। एडवांस मैथ्स की 2 बुक भी लिख चुका हूँ, प्ले विद एडवांस मैथ्स। इसके अलावा इसके बारे में क्या क्या है, कोर्स के बारे में, हमारा फोकस जो है वो प्रैक्टिस और थॉर्टिकल पार्ट को कवरेज करना, यानी कि टाइप बना बना के पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे सारे 2019 तक जितने भी रिसेंटली आए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी नए कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री, लेकिन बहुत हाई लेवल तक नहीं, इसमें हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली बैचेज में नहीं कराते कि उतना बेसिक मान के चलते हैं बच्चे को आता है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। लर्नर को क्या मिलेगा, 60 घंटे की डिटेल स्टडी, यानी 60 घंटे का ये बैच है। डेडिकेटेड डिस्कशन फॉर्म है। किसी बच्चे को ये कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कंटेंट ओवरलोडेड पढ़ना है, तो एक बैच और थोड़े दिन बाद स्टार्ट होगा, उसकी डेट भी आ चुकी है जो मैंने बताया था, जिसके अंदर मैं 60 घंटे में 3 ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एलजेब्रा, ट्रिगो और ज्योमेट्री, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, रिकॉर्डिंग सेशन है, वीकली लाइव क्यूज है, नोट्स होमवर्क हर टॉपिक के बाद मिलेगा ही मिलेगा। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, तो 1 साल तक आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आप 3-4 बार आराम से सिलेबस खत्म कर पाएं। फाउंडेशन की गारंटी है कि वो स्ट्रांग बनेगा। टिप्स ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे कोर्स खत्म करने के बाद। वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 1 महीने भी पढ़ सकते हैं 1000 फीस में। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ, और हमारा फ़र्ज है उनके साथ, हमारी पार्टनरशिप है, तो मुझे बताना होता है कि आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, चाहे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बताना हो, चाहे बच्चों को स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करनी हो, सब कुछ। तो आप इन वीडियोज का आनंद लीजिए, पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और ज़रूर जीवन में जब कभी सफल हो जाएं, ये यूट्यूब पे जो कोर्स आपने देखा इसको पढ़ के सफल हो जाएं, तो एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करें, मेल के जरिए बताएं हमें, मैसेज करके बताएं कि आप सफल हुए। थैंक यू वेरी मच, इन्जॉय करिए। इस सवाल का उत्तर बताना, बहुत जल्दी बताना, एक लाइन में, एक लाइन से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। डाउनलोड हो गए सारे फोटो? देखिए सवाल क्या कह रहा है, बड़ा बेहद आसान सवाल है, ये कह रहा है, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा इस सवाल को, कि अगर ये घोड़े को 3100 में बेच रहा है और इसको 1300 में, यानी टोटल 4400 में, अरे यार 3100 में, इसको 1300 में, इसको 4400 में, तो आपको पता है 10% का प्रॉफिट है, यानी कि इनकी सीपी कितनी है, 4000। 4000 पे 10% की हानि, 3600 में, इसको 3100, 3150, तो ये 450 आ गया, क्योंकि ये सीपी पे बेच रहा है, इसकी सीपी 450, तो इसकी सीपी 3650, 3550, तो अंतर कितना आ गया, 3100, ये पूछ रहा। जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। अब हम कल की क्लास में रखेंगे SI कंप्लीट, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक की क्लास में
हो जाएगा ऐसे 1-4 में, लेकिन ट्रू डिस्काउंट भी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो परसों मान लेते हैं CI हो जाएगी और फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बचेगा। संडे का 1% सोच रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं, वैसे रखूँगा। ये नहीं हो पा रहा क्या सवाल यार रोहतक? यार आप यार क्या आदमी हो यार, आपके उम्र पे यार लोगों के बच्चे होते हैं 3-3 यार, आप छोटा सवाल नहीं कर पा रहे यार। अब आगे मत बोलना, कुछ जल्दी बताओ क्या उत्तर आ रहा है। 1600 यार, इस बंदे को घेवर खा के एनर्जी आ गई, मतलब किस किस को दिया और मिला नहीं। इसको नहीं दे परसेप्शन को, इसके डाइजेस्ट भी नहीं होगा ना, इसका मेटाबॉलिज्म खराब है। 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, दूसरी की 477, तो अब 2 घड़ियों की लागत का अनुपात ये हो जाता है। तो शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत कितनी थी? मैंने इतना सरल सवाल अपने जीवन में नहीं देखा और तुम्हारे जितना पागल बच्चा अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि अगर 16 की 10% बढ़ जाएगी यानी 17.6 हो जाएगी, और हो रही है 11, यानी कि 11 का ये 16 गुना है, 1.6 गुना, तो ये नीचे 20 बोल रहा है, 20 का 1.6 गुना 32, तो ये कितनी बढ़ रही है? 9, 9 की वैल्यू 477 है, 9 से कट नहीं रहा, 477 53 बार कट रहा है, तो 16 की कितनी आ जाएगी? 16 3 48, तो ये दूसरी की पूछ रहा है, बस 9 आ गए। मेटाबॉलिज्म से योगा का लेना देना है क्या? इससे कुछ होता है? जो भी योगा बता रहा है डॉक्टर, कुछ फायदा हो नहीं रहा। एक बहुत 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 छोटा सुंदर सवाल, अगर ये सवाल जिसने बच्चे ने भी तुरंत कर दिया 3 सेकंड में, उस बच्चे को हम देंगे बड़ी चॉकलेट, और आप ये यकीन करें कि हमारे पास इस वक्त कैश का फ्लो है। ये बोला भी, अभी तो सवाल भी नहीं आया। अब पता नहीं कि इसका बी ना हो, तो देखना पड़ेगा। मतलब ये तो डिजर्विंग कैंडिडेट हो गया, ये समझ आ गया ना, तो बहुत आसान था कि 10% बढ़ गया, 1.6, 16, 17.6। सवाल निकालना पड़ेगा ऐसे कुछ नहीं। अब कोई बच्चा कहता है क्लास मॉर्निंग में कर लो, फिर वो शाम में वो बच्चा आके रोता है हमारे पास कि मॉर्निंग में मत करो। किसकी सुनूं मैं? तुम आए थे ना कल शाम? हाँ मेरे पास। तुम नहीं थे? फिर कौन था जो शाम में आया था कहने? तुम थे? तुम दोनों एक शक्ल के कहो पहले तो ये बताओ मुझे, बदल नहीं सकते थोड़ी बहुत? कंफ्यूज हो गया मैं, वो वाला बंदा उधर जो कोने में बैठा है, ये आपकी वाली क्रीम लगा रहा है कोई? 100% मतलब ए उत्तर आया है, 150। करो ना करो तुम, भागलपुर तो खेल गए बेचारे। सी है 150%, क्या बात है, कमाल कर दे जी। नहीं, वो 3 सेकंड का खेल था।
देखिए ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है, मान लेते हैं कि 1 से 4 होता है, तो 3 बढ़ेगा लाभ। अब इसने बोला कि लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी कि लाभ पहले कितना था? वन पॉइंट फाइव था। नहीं, 0.5 अगर होगा, आप यही तो गड़बड़ कर रहे हो। 0.5 अगर होगा और 3 बढ़ेगा तो 3.5 होगा, तो वो तो 7 गुना हो गया फिर। समझ गया आप? ये आपने, अरे ले क्या, ऐसे क्या उत्तर बदलेगा यार? ये ले तो ये आ रहा है, वो ले तो ये आ रहा है, एक ही तो उत्तर होगा। कमाल कर रहे हैं यार आप। इसका मतलब है, आप समझो बात को, कि लाभ 6 गुना हो रहा है, यानी कि लाभ 6 गुना होने का मतलब, आप गलती ना हो आपसे, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि लाभ 6 गुना होने का मतलब है लाभ का 5 बढ़ना, और लाभ बढ़ा है 3। तो 1 की वैल्यू 0.6 था पहले, लाइव 0.6 था, आप समझ गए, क्योंकि अब 3.6 होगा, वो आपने 0.5 गलती से ले लिया, लेकिन आपका फिर भी सही उत्तर आ गया, तब 150 आ रहा है, गलत है ना 150। तो अब आप देखो तो ये कितना होगा, 0.4, सीपी 0.4 है, यानी लाभ कितना है? इतना, 3 गुना, 3/2 लाभ है, तो 150, यानी कि 50% लाभ है। नहीं, लाभ तो 150% ही हो, लाभ ही है ना ये 0.6। तो निकाला कैसे था? नहीं, ऐसे भी आप, मैंने जैसे बताया वैसे नहीं समझ पाए आप। नहीं ना, आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे 1 से 4 गुना हुआ है, यानी कि 3 बढ़ा है लाभ, और मतलब 3 बढ़ा है, और 5 गुना, 6 गुना बढ़ने का मतलब 5 गुना बढ़ेगा, और पहले 1 गुना रहा होगा, तो 5 गुना ही 3 है, तो 1 गुना 0.6 है, यानी पहले लाभ कितना था? 0.6 था। अगर पहले लाभ 0.6 था तो सीपी कितनी थी? 0.4 थी, तो 0.4 पे 0.6 का लाभ है, यानी 1.5 गुना लाभ है, 100 पे 150% होगा, और यो समझ आ गया कि नहीं? नहीं, आपने तो टाइम लिमिट हो गया था ना शायद। कोई नहीं, अभी आपकी सहेली की भी पेंडिंग है, तो दोनों की आधी आधी करा देंगे। आपने तो गलत करके भी 150 दिया था, आपने खुद ही तो बोला कि एक एक होगा, आपने एक मुझे तो बोला ना। अच्छा, आपने वैसे नहीं किया, आपने 100 माइनस भी। अरे ऐसे ऐसे मत, चीकू भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप क्या करा करो कि ऐसा जब आप करोगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा थक जाएगा जल्दी। मुझे वो थकाना नहीं है, आप जब 2 घंटे पेपर दे के निकलो तो ऐसे इंग्लिश का आप दूंगा, ऐसे समझ रहे, इंग्लिश का ऐसे, क्योंकि इंग्लिश भी देना भैया आपको। उसके बाद आप ये अरबाज खान की मूवी देखो, एक जो आई है अभी नई, वो देखो आप, थोड़ा इससे आपको फायदा मिलेगा। अरबाज खान की मूवी नहीं आई, कौन सी आई है? काला जादू है क्या है, जिसमें वो पेंटर बना हुआ है? मंगल वाली हिट हो गई, किसी ने देखी? वो अच्छी है, कैसी है? एक सौ 21 करोड़ कमा चुकी। अरे ये कमाई नहीं होती, ये कलेक्शन होता है। ये तो आजकल वो ट्रेंड चल गया, आपने देखा नहीं था, आजकल एक चैनल पे एक बंदे ने बोला था कि ऐसे दिखाओ, 122 करोड़ बताओ, 23 करोड़ बताओ, तो लोगों का इंटरेस्ट जगता है, फिर वो भी जाते हैं देखने। ये सब मार्केटिंग के तरीके हैं। 122 करोड़ कमा लिए कि 123 करोड़ कमा लिए? 10-10 रुपए की लोग पायरेटेड सीडी लेके देखते हैं, और क्या, कहने को कुछ भी कहते रहो यार। कौन कौन पड़ा हुआ है पीछे? कौन से, किस साइड के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, क्यों क्यों कराओ तुम मूवी बना क्यों रहे हो इतनी महंगी? सस्ती बनाओ तुम।
आपने कभी बाटा का डुप्लीकेट बनते हुए सुना है? डुप्लीकेट किसका बनता है? रिबॉक का, एडिडास का, क्योंकि इन्होंने प्राइस दुगने रखे हुए हैं। गांव में आप जाओगे तो एक फिलू की जीन्स आती है, फिलू, सुना किसी ने? फिलू ब्रांड, हाँ आपने पहना भी होगा, फिलू का डुप्लीकेट सुना आपने? नहीं सुना? 400-500 की आ जाती है। डुप्लीकेट किसका बनेगा? केल्विन केलिन का बनेगा। हिंदी में सही नहीं लिखा है, करेक्शन कर लेना। यार आप कैसे कर लेते हो इतने सवाल, ये तो बताओ, हर किसी से नहीं होते पता है। देखो एक बात बहुत अच्छी सिंपल सी, कि पहले वाले को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे वाले को कितने पे, कि 20% लाभ आ रहा है। अगर इसको भी 15 पे बेचा जाता तो यहाँ 15 आता, लेकिन यहाँ 5 ज्यादा आ रहा है, यानी ये भी 5 ज्यादा में बिका, ये भी 5। अब ये तो फिक्स है, बिका नहीं है ज्यादा में 5, इसका मतलब ये बिका 10 में, दोनों का 5 मैंने इसी को दे दिया, और इस 10% की वैल्यू 4800 है, तो 100% की कितनी होगी? 48,000। क्लियर है? नहीं भाई, ये 15 में है, टोटल तो वैसे 40 है ना, वो 20% तो एक का है, दोनों का मिला के तो 40 हो गया, तो ये 15 में, ये 25 में, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 10%, 10% की वैल्यू ये, खत्म हो गया खेल। बरेली तुम्हें आ रहा है समझ? फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ थोड़ा तो बुरा सा लग रहा होगा, यहाँ दोनों का वो नहीं लग रहा बुरा, हाँ मतलब लगे भी तो सो नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। नहीं मेहनत तो फिर भी सही है, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन नहीं लगता अच्छा, मुझे मालूम है ना, मैं आपको जानता नहीं हूँ। नहीं लड़ाई नहीं ऐसे, वो भी समझती है इस बात को, अगर आपका होता उसका नहीं तो उसको भी लगता बुरा। चलिए अब कुछ बेईमान दुकानदार वाले सवाल करते हैं, नहीं ठीक है, छोटे छोटे से सवाल से शुरू करेंगे बेईमान दुकानदार पे, क्योंकि आपको आते भी नहीं है ये, या आते हैं अच्छे से? आते हैं। अब रोहतक वाले भाई साहब, यार आपका तो खैर लेवल ही अलग है, आप तो क्रीम आदमी हो, पॉन्ड्स की छोटी वाली डिब्बी, 5 की जो आती है, एक आती है बॉडी शॉप की, इतनी फर्जी क्रीमें आती हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की, देख के उत्तर आ जाना चाहिए था इस सवाल का। खाली मोबाइल कवर स्पाइडरमैन का, बैडमैन का लगाने से वो नहीं हो जाता कुछ, कि फ्री में मिल गया कवर तो कोई भी लगा लो। साइलेंट किलर, कल क्लास नहीं आई थी तुम, तो तुम्हारी फ्रेंड ने इससे दोस्ती कर ली, पता है इससे तुम्हारी बुराई भी हम भी करी। पता है ना सुबह वाले बेचे में कितनी लड़ाई लगवाता हूँ, एटीट्यूड है एक, आ नहीं रही है वो आजकल, एटीट्यूड है उससे लगती है सबकी लड़ाइयाँ। एक आदमी अपने सामान को 15% तक चिन्हित करता है, लेकिन वे 1 किलो के बजाय 920 ग्राम का लाभ प्रयोग करता है, तो इसने पूछा क्या है? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट पूछा ना, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, हिंदी हमेशा गलत होती है, बट आई ट्रस्ट ऑन हिंदी।
देखो आप बताओ कि 15% अगर वो मार्क करता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 1000 ग्राम के को वो 1150 ग्राम मार्क कर देता है, लेकिन वो देता 920 ग्राम ही है, यानी कि उसको 230 ग्राम की प्रॉफिट हो जाती है, 1/4, 25% की प्रॉफिट हो जाती है। बताओ हो जाएगी या नहीं? देखो अगर वो वजन में घपला करता है तो उत्तर अलग होता है, अगर वो प्राइस में घपला करता है मतलब कि बिल में घपला करता है तो उत्तर अलग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या गया? अरे नहीं, अब जैसे ये वजन में कर रहा है ना घपला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 1000 की जगह 1190 लेके आ रहा है, 19%, 190, ठीक है, और ये 15% कम बेच रहा है, यानी कि 850 ग्राम बेच रहा है, तो 19 और 15 कितना हो गया? 34, यानी कि 340 ग्राम का फायदा उठा रहा है ये, 850 ग्राम पे इसको 340 का फायदा हो रहा है, यानी कि 50 पे इसको कितने का हो रहा है? 20 का, तो 100 पे कितने का होगा? 40 का, ये उत्तर है। अगर ये बिल में घपला करेगा, जैसे कोई आदमी देखिए 10% घपला करता है वजन में, तो हम बोलेंगे कि यार वो 1100 लेके आता है और 900 दे रहा है, और लाभ आएगा 900 पे 200 का, यानी कि 22.22%। लेकिन अगर वो बिल में घपला करेगा 10% का, खरीदते वक्त ज्यादा बिल बनवा दिया, फिर बेचते वक्त 10% ज्यादा बना दिया, तब उत्तर 21% आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि घपला बिल में है या वजन में है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, इसका 21% मानती है एसएससी। अरे कुछ नहीं मानती एसएससी, जो सही है वही मानती है, गलत थोड़ी मानेगी कुछ, नेवर। वो बिल में घपला करेगा तो 21% आएगा। मान लेते मैंने किसी को बोला, जैसे मैं आपका सामान लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा 10% बिल ज्यादा बना दे, कितने लोग बनवाते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसेज में बिल ज्यादा ही तो बनवाते हैं, तो बिल में घपला होगा इस तरीके से, और देते वक्त भी बना दिया 10% ज्यादा का बिल, बना दिया है ज्यादा का बिल, हिल जाएगा अब तुम्हारा दिल। चलिए सवाल देखिए, बहार बन के आऊं कभी तुम्हारी, कितना रहे? 8। सच में 8 है। एक वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, यानी कि आप मुझे एक बात बताओ, 900 ग्राम ओ तोलता है वो, और उस पे वो 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है कि 180 ग्राम कमा रहा है, तो मार्क कितना कर रखा था उसने? 1180। नहीं, 1080, 1080 दोनों को जोड़ दिया ना मैंने, तो 1080 का मतलब कि 1000 ग्राम पे कितना ज्यादा मार्क कर रखा है? 8%। सिंपल है बहुत। नहीं आई बात समझ? मैं कह रहा हूँ कि वो दे 900% रहा है और उसको लाभ हुआ 180 ग्राम का, क्योंकि उसके पास बच गए 180 ग्राम, इसका मतलब उससे पहले कितने थे? 1080 ग्राम, तो 1080 ग्राम 1 किलो की जगह थे, इसका मतलब 8% ज्यादा मार्क कर रखा था। आजकल उल्टे सवाल आते हैं, पहले आते थे कि सवाल में बोलता था इतने परसेंट आते, सीधे सीधे चलते थे, उत्तर आ जाता था। आजकल क्या थे, लास्ट वाली चीज पहले देता है और पहले वाली पूछता है। अभी मैं आपको इस बार के प्री में आए हुए भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिखाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे। हो गए भाई डाउनलोड सारे? ठीक है यार, ये सवाल देखना जरा, बड़ा गंदा सा सवाल है, ये रहने देता हूँ। गन्ना करता है, सामान खरीदते समय वह 10% की चोरी करता है, तथा बेचते समय यदि कर लोगे आप? यार आप टैलेंटेड हो पता है,
एक तो इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसलिए मुझे खतरा है इसमें थोड़ा। कर लो ट्राई, कर लो ट्राई, करने में क्या जा रहा है। मेरे को तो बहुत गंदा लग रहा है सवाल, और इतने गंदे सवाल तो नहीं आएंगे, देख लो। बाकी यार अब तुम आप तो तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, हम तो करेंगे। तो देखो ये एक्स परसेंट लाभ पर बेचता है, और इसने सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एसपी पे कैलकुलेट कर रखा है बदतमीज ने। ही चीट 10% वाइल ही बाइंग एंड गिव्स इतने एंड इतने, ओवरऑल प्रॉफिट इज 62.5%। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, पेन दे देना एक एक्स्ट्रा मुझे पेन। अच्छा राणा जी, आप चाय की डिमांड कर रहे थे, चाय अभी थोड़ी देर में मंगवाते हैं, थोड़ी देर और वेट नहीं दा रही है, ठीक है मंगवाते हैं। राणा जी को चाय चाहिए, जानते हो आप इन्हें, ये सेलिब्रिटी टाइप है, बहुत एटीट्यूड है, होना चाहिए। खैर इसमें कुछ गलत नहीं है, हमें नहीं आता, कैसे आता है जी, इसकी कोई गोली आती है जैसे हम ले लें सुबह दोपहर शाम थोड़ा आ जाए। नहीं मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये कैसे आता है बेसिकली, एक्चुअली आप नहीं पा रहा है पता नहीं क्यों, ये इनबिल्ड होता है। ओ 975 की जगह ये 25×25। दे रहा हूँ ये लो, ऑप्शन में है आपके में नहीं है। ए कितना 25, कैसे तुमने 20% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, और हाँ क्यों भाई एक्स परसेंट क्यों बढ़ाया तुमने, कैसे नहीं नहीं खरीदते समय 10% की चोरी करता है वो, बेचते समय नहीं, कहाँ ले रहा है लाभ खरीदते। हाँ हाँ 10% लाभ ले रहा है मैंने मान लिया, ठीक है हाँ यहाँ पे भी लाभ ले रहा है वो। नहीं नहीं 2/19 का फायदा हो रहा है उसे, इसमें भी तो करो इसमें करो। है भाई मुझे तो सवाल भी डाउट है, किस में आ रखा है आपने देखा है, आप इतने सवाल क्यों देखते हो पहले तो ये बताओ। अच्छा हाँ ये बात तो है, आप कह देते नहीं तो मैंने नहीं देखा। नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ठीक है भाई पूरे सौदे में लाभ 62.5% है पूरे सौदे में लाभ, तो इसने हमसे पूछा है कि यार ग्राहक लाभ एसपी पे देखता है, तो लाभ एसपी पे तो ज्यादा ही होता है, एसपी पे हमेशा लाभ ज्यादा होगा, तो 62.5 से ज्यादा ही आना चाहिए। यार एक बात बताओ, कोई भी लाभ है मान लेते हैं कि एक एसपी पे, हाँ एसपी पे कम होगा तो, लेकिन 62.5 से इतना कम हो गया फिर इस सवाल में है ही क्या। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल सी इतनी सी बात है कि 5/8 का लाभ है, और ये उसने सीपी पे देखा और एसपी पे निकाल देना है मुझे, मैं बीच का क्यों देखूँ सवाल बताओ। जो लाभ है वो उसने एसपी पे कैलकुलेट करा है पूरे सौदे में, तो आप बताओ एसपी कितनी हो गई 5/13×100। अब नन ऑफ दीजिए तो उत्तर भी नहीं समझ में आ रहा कि सही होगा कि नहीं होगा, 500/13 पूरे सौदे में एग्जैक्ट लाभ दे दिया 62.5%, यानी सीपी पे हुआ है, कॉमन सेंस है, एसपी भी पूछ रहा है। बताओ मैं बीच वाली चीजें क्यों देखूं, क्या अंतर है इस चीज में जो मैं कर रहा हूं और जो दिया हुआ है उसमें, आप बताओ मुझे।
या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्या होगा ये तो अरुण जेटली साहब ही बताएंगे ना, जब सांस लेंगे तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कितना लाभ और क्या कैसे है, हम नहीं बता सकते। इसीलिए मैं इस सवाल को कह रहा था, आप नोट कर लो, किट कर लो, बाकी देखते हैं, बाकी और कुछ सवाल देखते हैं, एक दो और अच्छे सवाल हैं हमारे पास। ऐसी चीजों पे दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं है। इसमें धोखा है, अगर आप चाहो तो धोखा बट हटा सकते हो, फिर कोई बच्चा कुछ अगर कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस तरीके के सवाल कराते हो। बच्चे कई बार घर जाके शिकायत कर देते हैं कि मम्मी सर धोखे के सवाल कराते हैं, और आपको बताइए कि मुझे वो टाइम कैसे आपने मेरे को मौत से निकलते हुए देखा है। माँ कहती है हम तो जानते ही हैं। नहीं वही भी मुश्किल लग रही है। ये कह रहा है कि अपने माल को सीपी से इतने परसेंट पर रखता है, यानी कि मैंने 100 लिख लिया, 1000 ग्राम, 24% का मतलब 240 ग्राम, 240 ग्राम ज़्यादा रखता है। अब उसने लगी 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट देने का मतलब कितना है, हैं 3/20 हो जाएगी ना, 3/20। अरे तो 3/20 करो ना इसका, 105। मैं ये पूछ रहा हूँ 15% इसका कितना होगा बस यार, 186। तो ये कितना बच गया, 1054 ग्राम के पैसे वो लेता है, लेकिन वो 101 ग्राम का धोखा करता है, यानी कि वो 899 ग्राम के पैसे लेता है। तो 899 ग्राम के पैसे लेने का मतलब कितना है कि 101 तो ये और 54 ये, 156 रुपए ग्राम का फायदा उठाता है वो, उठाता है नहीं, 156 ग्राम का वो 1054 पे 156 ग्राम का फायदा उठा रहा है। तो ये इसका कितने परसेंट हो सकता है आप मुझे बताओ। 4 से काट लेते हैं पहले, 4 से तो कटेगा ही नहीं है, 527 और ये 28, 78, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो कट ही नहीं रहा, किसी से पॉइंटों में आ रहा होगा। 78/527 × 100, पॉइंटों में नहीं आ रहा इसका उत्तर, बताओ पॉइंटों में आ रहा है या नहीं, आपका क्या आ रहा है यार, भूलते ही नहीं हो। 1800 भागित 14.8, 16% का धोखा करता और बेचते समय, यार आपने बताई ये बात, कान पे मार दे ना घुमा के तो कान दोनों एक ही साइड आ जाएंगे रपटते हुए, पता नहीं चलेगा। जब यहां कर रहा था तब तो मैं नहीं दिख रहा था, तुम तो खुद ऐसे ही कर रहे थे, कब बोला तुमने, अच्छा अब तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही मीठा खा के, स्वेलिंग आ गई होगी ना गले में, जब पता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं है तो क्यों खाते हो। इसी बहाने आराम मिल जाता है साहब को कि एक आदमी लिखेगा मिटाएगा, 2 मिनट आराम तो करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तुम्हारा कैसा चल रहा है, वो कहेंगे हाँ फोन आता है बस कहने को समझ लो, बाकी तो सब बदल ही गया है, अब कहाँ वो पहले वाली बात रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं मन में, हम भी निकल ही रहे हैं धीरे धीरे, अपना रास्ता बदल लेंगे। हजार ग्राम था, कभी कभी कॉल करते हैं तो फोन भी वेटिंग चला जाता है, पूछते हैं कि कहाँ बात हो रही थी, तो कहते कि तुमको ट्रस्ट नहीं तो हमसे बात ही ना करो, हम रख दें कह के तो 6-6 दिन फोन नहीं आता है, इसलिए अब हम कुछ कहते भी नहीं कि क्या लड़े, हमारा पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है।
16% धोखे का मतलब है कि ये आदमी 1600 ग्राम लेके आता है, यहीं पे कर लो ना। अब 24% इससे ऊपर मार्क करता है तो बताओ। तो मैं नहीं पता चल रहा कि कहां ध्यान होगा इस वक्त, कहां ध्यान है। 24% का क्या किया इस पे, आधे मार्क कर दिया 24%। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। तो कितना हो जाएगा ये? अरे सीपी, यही तो है सीपी, सीपी पे करेगा। चल थोड़ी सीपी हमारे लिए तो यही सीपी है। अब जो धोखा कर दिया, लाया तो मैं 1160 ग्राम हूं, तो मेरे लिए तो यही सीपी है, कुछ अलग होगी सीपी। लेकिन अब मैं इससे पहले 24% घटाऊं, फिर 15% छूट दूं, 24% जोड़ के, तो बहुत लेंथी सा नहीं हो जाएगा सवाल? होगा तो ऐसे ही, तरीका तो यही है करने का, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे मैं कैलकुलेटर से करी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अरे उत्तर तो पता कर लो, 278.4। मैं और कोई तरीका भी बताता हूँ फिर इसका, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा 1160, तो ये आ गया 1438.4। हमने इस पे डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो कीमत कितनी बची? 85%। तो ये आ गया 1222.64, यानी इतने के पैसे हम वसूल रहे हैं। और दे कितना रहे हैं हम इस पे? 899। तो इसका मतलब हम इस पे कितना पैसा कमा रहे हैं? 323.64। ये हम कितने पे कमा रहे हैं? 0.64 पे। तो ये लाभ आ रहा है 44 के अप्रोक्स आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा, हम ये 899 पे कमा रहे हैं ना ये लाभ, ठीक है। 899 पे अगर हम ये लाभ कमा रहे हैं तो 36% एग्जैक्ट आ रहा है। पता नहीं इनका 44 आ रहा था, क्योंकि थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं साहब। लेकिन ये तरीका तो जमा नहीं, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेटर लगा है पूरा, 36% आ रहा है एग्जैक्ट। तो अब हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए जिससे कि ये बहुत आसान हो जाए सवाल? मैं बताता हूँ आपको। सीपी और एमपी का ये हो गया, 24% ऊपर रखता है, 15% छूट देता है, लाभ पूछ रहा है। अच्छा छोड़ दो, तुम वो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो वो 899 ग्राम की एसपी है, उस पे अगर देगा भी तो की एसपी है, तो जो 299 ग्राम बचेगा उसकी एसपी का ही फायदा होगा। तो की एसपी से की एसपी कट जाएगा, बात आ रही है तुम्हें समझ? कि जो लाभ होगा वो भी तो माल बिकेगा ही ना बाद में। अभी मैं और एक सिंपल सी डिजिट लेके सवाल कराऊंगा तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। मैं इसका और कोई अच्छा तरीका ढूंढ रहा हूँ, जब तक उससे पहले एक सवाल ये करा के दिखा रहा हूँ कि तुम जो समझ रहे हो ना वो चीज नहीं है। मैं तुम्हें पहले अपनी बात क्लियर करता हूँ, फिर हम इस सवाल पे दोबारा आ रहे हैं। अभी पानी वगैरह की प्यास लग रही है क्या? ए? ओहो, पानी की क्या जरूरत है तुम्हें? ऊंचा लग जाएगा, पानी मत पियो। देखिए मैं बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं सवाल समझ पा रहे? सिर्फ डिजिट की वजह से आप सवाल नहीं समझ पा रहे। आपने तो रोहतक वाले भाई साहब बिल्कुल ही मिस इंटरप्रेट किया सवाल को। हाँ वैसे ही करूँगा।
जैसे आप ये वाला सवाल देखो तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप वापस इस सवाल पे भी आएंगे। डिजिट से आपको लग रहा है जैसे ये 53 है, जैसे ये, तो मैं ये कह रहा था 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो मान लेते हैं, लेकिन इसने लास्ट में दिया है खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि ये आदमी 1100 ग्राम लाता है और हम ये बोलेंगे कि ये 900 ग्राम देता है। तो जब ये मार्क करेगा 20%, तो जो ये 1100 ग्राम लाया है इसने पूरे पे ही मार्क कर दिया। मैं ये सवाल ग्राम से ही करता हूं, मैं कहीं पैसे मान नहीं रहा जो आपको डाउट आ रहा है। मैंने कहा कि इसने 1100 ग्राम पे कितने का मार्क कर दिया, 1320 ग्राम का मूल्य इसने लगा दिया, लेकिन उसके बाद इसने 10% की छूट दे दी। यानी कि ये कह रहा है मैं इसमें 132 ग्राम के पैसे नहीं लूंगा, यानी कि मैं 1188 ग्राम के ही पैसे लूंगा। अब ये 1188 ग्राम के पैसे लेगा, लेकिन ये दे 900 ग्राम ही रहा है, यानी कि अभी इसको 288 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। तो जो ये 900 ग्राम है ये हमारी बेसिकली 1100 ग्राम की जो सीपी थी और जो 900 ग्राम की सीपी है वो सेम वसूल रहा है ना, ये सेम चीज है वो। तो हमने यही कहा कि इसको 288 ग्राम की एसपी का ही फायदा हो गया, इतना बेचा तो इतने का फायदा, इसे भी बाद में बेचेगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, हम ये कह रहे हैं कि 900 ग्राम पे 288 का फायदा, 100 पे कितने का होगा, 32%। ये सेम सवाल है, लेकिन वहां क्या है कि डिजिट कठिन है। तो अब अगर डिजिट कठिन आ जाएंगे तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, ये मुद्दा है। देना एक सेकंड, फोन पेन पेन तो है मेरे पास। ठीक है ठीक है, 24% में बढ़ता है खरीदते समय। कई सारे तरीके हैं, ये वाला भी तरीका जान लेते हैं, पीछे वाला भी। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। ये वाला तरीका मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब आप कह रहे हो तो। कि 24% हमने ऊपर मार्क कर दिया, यानी कि हमने 100 की चीज को 124 लिख दिया, 100 ग्राम को 24% अधिक मार्क है। 85% 15% की छूट दे दी अब हमने, यानी कि इसको और 85/100 कर दिया, यही ना। उसके बाद हमने क्या किया, खरीदते समय 16% का धोखा कर दिया। खरीदते समय करो या पहले करता, मैं स्टार्टिंग में भी करता तो भी कोई फर्क नहीं था उससे, कि मैं जो भी चीज लेके आ रहा हूँ तो मैं 116 लेके आ रहा हूँ 100 की जगह, ये वाली बात है। मैं 100 की जगह 116 चीज लेके आ रहा हूँ, इसे 116 चीज पे 124% अधिक मार्क कर देता हूँ, उसमें से 85% कम कर देता हूँ, ठीक है। तब क्या होता है, और अब मैं एक किस अनुपात में दे रहा हूँ, जो चीज मैं लेके आ रहा हूँ उसको मैं किस अनुपात में दे रहा हूँ, तो 1000 ग्राम की जगह 899 ग्राम दे रहा हूँ। ये बोलेंगे कि जो ओरिजिनल चीज है वो 1000 ग्राम है और उसको 899 ग्राम में दे रहा हूं, तो कौन सा किससे कट रहा है? ये दो इससे कट गई, जीरो इससे कट गई, 5 × 2 = 10 और ये 17, 31 × 4 ये, और 31 से ये कितनी बार कट रहा है, 29, 29 से 116 भी कट जाएगा, चार बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, तो ये आ गया 68/50। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम 50 के माल को हमने 68 बनाया हुआ है, यानी कि हम 50 पे 18 का फायदा ले रहे हैं, तो 100 पे कितने का लेंगे, 36 का। आप देख लो वैसे, बट आई डोंट लाइक दिस मेथड, मतलब मुझे पसंद नहीं है। नहीं सही है तो क्या मतलब है, अब किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, सही है, बहुत सारी चीजें ऐसी सही है, बताओ आप, रेखा सही है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं पसंद आती, कोई स्मूथ रास्ते भी कई बार नहीं पसंद आते आपको, बहुत स्मूथ रास्ते लेकिन उनपे सुनसान है, नहीं आ रही पसंद। अरे उससे मैंने निकाल ही दिया था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही थी, इतनी मुश्किल भी कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं कि आ ही रही है कि अब आपको। आप ये सवाल देख लो एक बार, ये झूठे वूटे वाले भी देख लो कि झूठा बिक्री करता है। ये आपने फोटो खींच ली, स्पीड तो कुछ है नहीं आपकी, आप बढ़ा लो थोड़ी सी, क्योंकि अब प्री के सवाल कराने वाला हूँ जो इस बार की प्री में आए हैं, 2-3-4 सवाल और कर लो। ये सवाल देखो जल्दी से, एक एक दो दो टाइप का सवाल बचा है, जल्दी से करके फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलो चलो चलो। कितना आ गया,
ये अगर एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ उठाने के लिए उपयोग करके 25% बनाता है। देखो कई बार तो मैं ये फॉर्मूला भी लिखवाता हूँ, कोई आदमी नहीं फेल हो जाए तो 100 + G / 100 - X = True / False। एक्चुअल लाभ है जी यहाँ पे, और एक्स वो लाभ है जो ये कह रहा है। जैसे आप कभी अपने पापा के साथ दुकान पे गए उनके दोस्त की, तो ऐसे बोलता है अरे साहब अब आपको तो रेट टू रेट दे दिया, आपसे क्या लेना, आप जैसे आपका बच्चा वैसे हमारा बच्चा। लेकिन वो झूठ बोलता है, लाभ तो वो कमा रहा होता है। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो लाभ नहीं कमाता, चाहे आपके पापा कितना भी करीबी दोस्त हो, दोस्त नहीं अलग बात है, लेकिन दोस्त अगर है तो कमा ही रहा होगा लाभ। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करके 125% कमाता है। 125% इसकी सच्चाई है, जो कितने के बराबर है, 1000 ग्राम के। सच्चाई को सच्चाई से कंपेयर कर दो, लेकिन इन लोगों को 112.5 बता रहा है, तो 112.5 की वैल्यू कितनी होगी, 8 से गुणा करेंगे तो आप भी देख रहे हैं ये 800 हो जाएगा और ये 900 ग्राम, ये उत्तर है, 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। झूठ को झूठ से, सच को सच से कंपेरिजन कर दो, ये सच था कि इसको इतना हो रहा है और ये झूठ था। तो 125% सच में 1000 ग्राम के बराबर, तो 112.5% कितने के बराबर होगा। सर आधे घंटे का ब्रेक जरूर रखना क्योंकि खाना खाने जाना है। एक आध सवाल में ऐसा हो जाता है, कोई नहीं, ज्यादा टेंशन ना ले। अब नहीं कटेगी, अब मैं तमीज की वैल्यू वाले सवाल पूछूंगा, तुम टेंशन मत लो, सांस नहीं फूलेगा तुम्हारा अब। लेकिन वही है ना कि हमें थोड़ा बहुत सांस फुलानी भी पड़ती है। 3.6, हाँ आसान है, पहले परसेंट निकाल लो फिर डायरेक्ट वही कर देंगे। बीस परसेंट अधिक मार्क करता है, यानी 100 कर लो, 1000 कर लो, हाँ 1000 ही कर लेते हैं, क्योंकि वो 1200 ग्राम हो गया। 1200 ग्राम पे कितना, 5%, 60 की छूट दे दी, कितना बचा, 1140। दे कितना रहा, 950। 950 पे कितने का लाभ है, 190 का, यानी लाभ कितने का, 20%। 20% लाभ है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 1/5 यही लाभ है। यानी 6 में अगर कोई सामान बिकेगा नहीं तो 1 का लाभ है, तो सामान कितने का बिका, 18 का, तो लाभ कितने का हो गया, 3 का। जो 3.6 बता रहे हैं उन्होंने 18 का ही निकाल दिया सीछे, उन्होंने नहीं देखा 18 का तो भुगतान करा है, यानी कि SP 1800। तो यही गलती होने के चांसेस रहते हैं ऐसे। आपने क्या गलती की थी, यही नहीं, इन्होंने आपने नहीं की वाली गलती थी ना, रहा था आपका, किया नहीं आपने। आप इनके कान में फोन क्यों लगा रहे हो, फोटो ले रहे हो, मतलब कमाल है, यहाँ भी सिग्नल भेजोगे तो पर्दा चेक करना, घर में पर्दे डलवाने इनके कान के पर्दे जैसे। भगवान का भी स्क्रीन पे अजीब रहा, मतलब कान में पर्दे लगाने का क्या औचित्य था। पर्दे की जरूरत बहुत सारी जगह थी। एक खूबसूरत सवाल लिखे, कान में कौन झांक के देख रहा है। क्या यार भगवान भी ना। अच्छा आप में से कोई कुछ ऐसा है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं भगवान से मिलूंगा तो ये कहूंगा। एक तो गाने में भी है ना, कभी मिलेगा खुदा से तो कहूंगा ये दिल क्यों बनाया, तो उस गाने में तड़फ तड़फ के इस दिल से आह निकलती रही मुझको, उसमें है ना, कभी मिलूंगा खुदा से पूछूंगा, है ये वाली लाइन है, याद नहीं है क्या आपको, क्या है उसमें, पूछूंगा खुदा से अगर मिले खुदा तो पूछूंगा, है जिसम मुझे मिट्टी का देख करके शीशे का दिल क्यों बनाया। ओहो यार, अरे इन्होंने बताया है, वन इंच टू बना, अभी तो आपका 2:2 बना रहा था। वह मिश्रण को 30% डिस्काउंट पे बेचता है और लेकिन 40% लाभ होता है इसको, मतलब 30% हानि पे बेच रहा है ये, सोचो।
और लाभ इसको 40% हो रहा है। तो इसने पूछा क्या है, मिल्क और वाटर, एक एक आ रहा है, सात सात छह आ रहा है, क्या आ रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे हमने आपको एलिगेशन में पढ़ाया था, मैंने आपको याद होगा, आपको एलिगेशन में मैंने ऐसे सवाल करने सिखाए थे कि कोई दुकानदार कह रहा है दूध मैं हानि पे बेच रहा हूँ, तो बेसिकली डिस्काउंट का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 30% हानि पर बेच रहा है, यानी दूध बचा 70%, लेकिन इसको उसके बावजूद भी 40% का फायदा हो रहा है, यानी कि 30 भी कवर हो रहा है और 40 यानी कि 70% का हो रहा है, तो वो 70% क्या है, पानी है, तो 70-70 एक एक रेशो। ये मैंने करना सिखाया आपको, ओए सिखाया कि नहीं सिखाया, करना नहीं, तुम नहीं होगी क्लास में, नहीं पढ़ाया मैंने ये, मैंने ऐसे सवाल कराया था कि एक दूध दिया 10 रुपए लीटर दूध लाता है, 12 में बेचता है, 30% फायदा हो गया, तो मैं कहता था 20% फायदा तो दूध की बदौलत है, 120% बचा हुआ 10 पानी की, तो 12 एक करेशो। अब यहाँ पे क्या है, 30% हानि पर बेच रहा है, यानी कि दूध 70 सिर्फ, दूध की औकात 70 है, लेकिन लाभ 40 हो रहा है, ये 30 भी कवर हो गया और 40 भी, तो वो 70 कहां से आया, पानी दिल है पानी पानी, तो 70 और 70 एक एक करेशो। इससे शॉर्ट इसका कोई तरीका नहीं हो सकता, और मैंने सिखाया ये आपको, किसी ने करा था ऐसे बिट्टू, कहां गया रे मेरे बिट्टू, ये लड़का बिट्टू बहुत सही है यार, जिस्म मुझे देके मिट्टी का, शीशे का दिल क्यों बनाया, यार आप ऐसे गाने यार आप याद रखते हो यार, आप शकल से पता है आप ऐसे नहीं लगते बिल्कुल, मैं यही चेक कर रहा था कि कौन आदमी इस टाइप के गाने सुनता है, आप तो वो भी सुनते होगे, क्यों जिंदगी की राहों में मजबूर हो गए, हुए इतने करीब कि हम दूर हो गए। बहुत बच्चों का, रेज के बच्चों का प्री निकला है, मतलब 2-3 हज़ार बच्चों का तो मेरी नॉलेज में ही है, जो जिनके मैसेज कॉल, और बच्चे खुश भी बहुत होते हैं ना कि मतलब प्री निकल जाता है, बस टीचर को होता है अरे सर प्री निकल गया, हमारे टाइम पे भी होता था ऐसे खुशी टाइप की। तो देखो अभी ये क्या कर रहा है कि लाभ कमाने के लिए एक दूध दूध में पानी मिलाता है, 11.11% का मतलब क्या है, 1/9, 1/9 की ये छूट देता है, हम जानते हैं कि यार ये 1/9 की छूट देता है, यानी कि 9 जो है उसमें ये एक कम करने की बात करता है, एक कम करने की बात करता है, यानी कि ये तो चीजों को 8 में ही देने की बात कर रहा है, तो इसको लेकिन क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है इसको, कुछ लाभ ही नहीं है, अच्छा अच्छा तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो बताओ नॉलेज पूरी है आपको भी वैसा, यानी कि ये जो लाभ है ये कितने परसेंट का है, 100/9, और ये कितना है, 100/7, ऐसे लिख लिया मैंने, ताकि ना फिर वो मुझे 100 वाला अच्छे से आता है करना, तो मैं 1/9 में फंस जाऊंगा फालतू में। तो ये कह रहा है कि अब पानी की सांद्रता पूछ रहा है, यानी कि उसमें परसेंटेज पूछ रहा है पानी का, तो पहले अनुपात निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि इतने का लाभ कमा रहा है जबकि इतने की छूट दे रहा है ये आदमी, तो 100/9 हमारे लिए, तो 100/9 घटेगा तो कितना बचेगा, 100 में से 800/9, 800/9 हमारे लिए दूध है भाई, है या नहीं, ये इससे कितना ज्यादा है जो इसको लाभ मिल रहा है, लाभ इतने का ज्यादा हो रहा है ना, 100/7 का लाभ हो रहा है, तो ये इससे ज्यादा कितना है, ज्यादा निकालते हैं ना हम इससे कि छूट से कितना ज्यादा है, अभी तो यही करा हमने कि डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट और प्लस करा दोनों को, तो ये इससे कितना कितना आ जाएगा जोड़ के, 9 × 7 9 × 7 1600/63, डिस्काउंट दिया ना माइनस है, अभी 40 और 30 नहीं जोड़ा था, तो ये पानी है, ये क्या है, पानी, तो आपने देखा ये कितना पानी है, 9 × 7 63 और 800 से ये दो बार कट गया, 7:2 आ गया भाई, यानी कि 7 दूध है 2 पानी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 7/9, 7/9, तो आई नहीं रहा उत्तर, यस यस यस, पानी की पूछिए, 200/9 सही है, आना ही था इसको, तो अब पता, अभी एक कठिन ऐसे डाटा आ गया, तो इसमें मेरी गलती है क्या, ये मुझे बता दो बस कि ये तुम्हारी गलती है मास्टर जी,
मैं इसको 1/8 1/9 से कर लेता, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी, मैं ऐसे लिखता कि यार 1/9 का डिस्काउंट दे दिया, कीमत कितनी बची 8/9, तो ये तो दूध है हमारा। अब जो लाभ और वो है वो 1/9 + 1/7, क्योंकि 1/9 का ये भी लाभ और वहां तक पहुंचा है लाभ, तो ये कितना आ जाता 16/63। तो 9 × 7 = 63, 8 × 2 = 16, 7:2। यहां से भी मैं बता देता हूं, मैं 100 100 नहीं लिखता, लेकिन मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी, बात ये थी। और फीलिंग मस्ट है, देखो जी अगर फीलिंग ना आए तो फिर क्या ही है, फीलिंग के चक्कर में तो कमबख्त हो नहीं रही। एक दुधिया को इतने का दावा कर दे, हाँ बोलो बोलो, मुझे बताओ ना क्या है, मुझे आप अपने मन की बात क्यों नहीं बताते। एक दूधिया दूध को इतना भी, अड़तालीस पे 29 का 29/48 का फायदा है। ये सवाल देखना, ये भी अच्छा लग रहा है। करते रहो सवाल, करते रहो करते रहो। कितना आ रहा है, 40%? कितना 30? कैसे निकाला आपने? आपका कितना आ रहा है? ये भाई सब जो बैठे हैं रेलवे यार्ड, आप रेलवे से? हाँ, आपको अनाउंसमेंट करने के लिए कभी दे दिया जाता था कि यार आप अनाउंसमेंट करोगे? आप ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी 3 से जाएगी, 3 वाली गाड़ी 2 से जाएगी और 2 वाली नहीं जाएगी। प्लेटफॉर्म 1 के यात्री गाड़ी में ना बैठे, ये गाड़ी बाहर में जाएगी। ऐसे कभी आपको मौका मिला? नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की गाड़ी 1 महिला ड्राइव कर रही है, बिना इंडिकेटर के भी कहीं भी मोड़ सकती हैं, देख के बैठे हैं। मेरे को यार अनाउंसमेंट का काम मिल जाता रेलवे में, बहुत बढ़िया करता। कोई भी काम मिल जाता, मैं तो कोई भी काम कर लेता यार, कोई भी काम करने की क्षमता। कितना आ रहा है, 40? पता नहीं, ये लोग बता रहे हैं कि 29 + 48 यानी 77 है अभी हमारे पास, 77 लीटर, और हमने 1/7 की छूट दे दी है, 1/7 की छूट दे दी है ना। ये 77 है, कितना है 1/7? 7 पे 1 की छूट दे दी है, तो ये 77 लीटर पे कितने की छूट जाएगी भाई? 11 की। 77 का अगर हम 1/7 करेंगे तो 11 की छूट जाएगी, यानी कि 66 रह जाएगा, 66। अब 48 तो दूध है, पानी मिलाता है, मतलब 66 के ही पैसे आ रहे हैं ना, 48 अगर दूध है। ये सही है ऐसे सवाल करना, मेरे को डाउट सा लग रहा है इस पे। 49 और 17, ठीक है, तो 48 पे कितना, 18 का, तो ये कितना आ गया, 3/8 बराबर 37.5%। और कोई तरीका नहीं है इसका? अच्छा ऐसे करेंगे, अभी हम जैसे कर रहे थे, हम क्या करते थे उसमें, अच्छा छूट भी होती थी हमारी और लाभ भी होता था, जो पानी होता था उसमें। हाँ हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं है? क्यों? आप तो उससे पिछले वाले से भी नहीं थे, तो मैं क्या करूँ? मान लेते आप शुरुआत से ही नहीं है सेटिस्फाई, तो क्या होगा? क्यों जी भाई साहब, 56
और इसका मतलब कि इसमें टोटल आ जाएगा 29 में सब आ जाएगा, पानी और लाभ और छूट। वो भी बात भी सही है ना, 29 में ही सब कुछ आ जाएगा, वो जो छूट होगी वो भी आ जाएगी और जो लाभ होगा वो भी आ जाएगा। ये 48 कैसे लिखा है? अरे 48 दूध था ना, ये रहा 18, 18 वो 66 में से घटा दिया। जो भी इधर उधर दिया करे आसपास उसमें से घटा जोड़ के देख लिया करो कहाँ से आ रहा है। आप भी कमाल कर रहे हो यार, आप ऐसी बातें करोगे आप इतने बड़े हो गए। नहीं मैं ये वाला तरीके लगा रहा था जो अभी तक हम सीख रहे थे। हाँ टोटल की उसमें एक्स का मान क्या है, उसको परसेंटेज लाभ कितना होगा, 29 1/7 ठंड लग रही है क्या आपको? यार आप कैप लगा के आए हो फिर भी आपको ठंड लग रही है क्या? उम्र क्या है आपकी लगभग? फीवर 104.5 FM कौन सा है फीवर? 150 बुखार है आपको भाई? आदमी भाई साहब 150 पे आप उबलने लगोगे, वही हो रहा है। अरे वो पेट में भूख की वजह से बाउल आ रहे हैं पागल, उसे उबलना नहीं कहते, बाउल सिंड्रोम है। चलो कोई नहीं, अब ये वाले सवाल तो कर ही लोगे, अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। पानी मिलाकर उसका 25 अंकित किया था, अब है सेफ। अच्छा सेव हो चुका है यार, ये लड़का इतना टेक केयरिंग है, इसकी जो पत्नी होगी ना वो भाई साहब शॉपिंग से इरिटेशन तो नहीं होती बेटा कराने से? कह रहा होती है। दूधिया वाला सवाल हो गया, अब दूधिया पानी में मिलाकर पानी का ये कुछ सवाल तो मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। अच्छा अगर पानी का भी प्राइस हो जाए तो कर लेंगे सवाल। जैसे ये कह रहा है कि एक दूधिया 20% छूट पर दूध बेचता है लेकिन दूध में पानी मिलाता है जिसका मूल्य दूध का 1/5 गुना है, तो आप दूध को ही 6 मान लो, खत्म बात। 10% का लाभ कमाता है, कर लोगे ना ये सब? तो बस मुझे यही अच्छा लगता है। आप और भी अच्छे सवाल है मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद कर लो यार। अभी हम प्रॉफिट लॉस के सवाल करेंगे और थोड़ी देर। जा रहे हैं क्या आप? नहीं कोई काम, भूख तो नहीं लग रही? ले आऊं घर से कुछ बना के जल्दी। ओ शकल देखो, ये वाला सवाल भी अभी हमने नहीं करे, 60 नंबर, ये भी करेंगे जल्दी से। मैंने कहा था आपको कि आप खिचड़ी बना के टिफिन में ले आना, आप लाए क्यों नहीं? पुलाव बना लाते ना, 4 से 5 आपने सोचा था कि वो खा लेंगे, ठीक है तो कोई बात नहीं। आप मैं बाकी के सवाल आपको दे देता हूँ, 250 सवाल आप खुद कर लो, 250 में लगभग मैंने करा दिया 60-70, तो बाकी आप खुद करो, लेकिन करना जरूरी है। आप समझ नहीं रहे, एक दो सवाल तो देखो एटलीस्ट, प्री वाले एक दो सवाल देख लो फिर छोड़ रहा हूँ। 60 देख लो, एक तो 60 यार, ये सेव क्यों नहीं हो रहा? कोई नहीं, जितने लोगों को जाना है खाने आप चले जाओ, मैं छोटे छोटे सवाल ही कराऊंगा बस, ऐसे नहीं जाओगे। मैं ही मंगा लेता हूँ, कुछ बच्चे कम हो जाएं, वही वेट कर रहा हूँ। समोसे मंगा लो, सीरियसली बताओ तुम लोग बताते क्या नहीं हो तुम्हें? समोसे, एक समोसे में कुछ हो जाएगा? दो दो, एक एक। देखो इनको ही पता है कि ज्यादा डिमांड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। पैसे कितना? कई बार गिने जाएंगे जब तक जिम में रहेंगे। मैं मंगवाता हूँ कुछ, मैं मंगवाता हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? कुछ मंगवाओ। हाँ बेटा आप बताओ, आप बड़ी हो उम्र में, बताओ।
नहीं मंगवाया ना कुछ? देखो कहाँ समझदार हैं, ठीक है। मैं तो जाऊंगा थोड़ी देर में, पुलाव बना के खा के आ जाऊंगा। थोड़े बहुत बचेंगे, कुकर उठा लाऊंगा, चाट लेना। देखो ये 80 है और ये 25% लाभ का मतलब 100। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें एसपी का 25% लेना हो तो हम 100 ही मानना प्रेफर करते हैं एसपी को। तो मुझे पता है 80 का 25% 20, 100। अब इससे फायदा क्या होगा? अब ये कह रहा है यहाँ तो लाभ 20 का हो रहा था, ये कह रहा है कि लाभ अगर इसका 25% होता यानी कि 25 होता तो कितना ज्यादा होता? 5। और ये लाभ 80 का 6% यानी 4.8 प्लस 119 के बराबर है। तो यानी 0.2 की वैल्यू कितनी आ गई? 119। पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ेगी, 50 से गुणा करूंगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 595 और 2 जीरो। सीपी पूछी है ना टीवी की, टीवी आपके मोहल्ले में किसी को हुई हो? हैं? 80 की निकालनी थी तो मैंने गलत निकाल दी होगी। 80 की 40 से गुणा करेंगे तो 476000। मुझे लगा कि एसपी की तो नहीं निकालनी, कहीं डिमांड आ रही है। देखो इसमें क्या है, कब तक 2000 के नोट अच्छे कुमार के दिए हुए दिखाओगे? खर्च भी करो। उसके बाद 1000 था, इनको क्या पता अभी, ये भी मुझे जानते नहीं ना पहले। सर सारे टाइप आप ही करवा दो, टाइम कुछ नहीं बचा, मैं नहीं कर पाऊंगा घर जाके। हो गई? अच्छा टाइम डालना पड़ता है उसमें कुछ, तो आप क्या करना? यानी उनको बोलो 5 बजे कर लेंगे अभी स्ट्रीम, बाकी उनको नोट्स दे रहे हैं ना अभी। होता है, कोई बात नहीं। 68 यार बात मत करो, फेंक दूंगा उठा के अभी यहीं से, अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। ये कह रहा है कि ये एक्स परसेंट की छूट देने के बाद एक्स परसेंट का लाभ कमाता है, यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 14 सही 2/7% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पागल है ये सवाल पूछने वाला। डायरेक्ट निकलना। कैसे? अगर ये लाभ नहीं देता, ये सीपी है और ये एमपी, अगर ये लाभ नहीं देता तो यहाँ 100 आता और यहाँ 100 - 100/7 यानी कि ये 6 और 7 का रेशियो आ गया, ये 744 दे रखी है। तो ये कितनी, ये तो कट नहीं रहा लेकिन इससे, अरे मैंने गलत कर दिया ना यहाँ पे 100/7। हाँ यहाँ, अरे यार डिस्काउंट तो है ही नहीं ना कुछ, सीपी तो ये तो 100 हो गया ना, तो 7 और 8 का अनुपात आ गया, 8 की वैल्यू 744 है तो 7 की कितनी आ गई? और मैं कह रहा हूँ इसमें मतलब क्या ही हम क्यों करें, ये कह रहा है कि जब डिस्काउंट नहीं दे रहा तो ये मतलब सवाल है, लुल्लू सवाल है ये, एक्स का मान ही पूछ लेता इससे अच्छा तो, एक्स ही पूछ लेता कुछ तो पूछता यार, ऐसे ऐसे हमारे जज्बातों के साथ क्यों खेल रहा है ये? 1/7 है यानी 7 का सामान 8 में बिक रहा है, बस बताओ यार, खा मगा खेल रहा है, एक्स का ही मान पूछता है इस सवाल में तो भी अच्छा लगता हमें। चलो आप ये वाला सवाल देख लो, जज्बाती है थोड़ा सा, एक्स का वैल्यू तो पता नहीं, तुम कैसे आदमी हो यार, लल्लू हो गया बिल्कुल। ये 7/8 का अनुपात है और हमें पता है कि ये 100 - x होगा और ये 100 + x होगा। हो गई भेजी थी केस काला साहब, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? आपकी इतनी सी दोस्ती की उन्हीं बातों पे चर्चा होगी बस जो बीत गया है? इनको अपनी कहानियां सुना सुना के रुलाते हो तुम, खुद के कमजोर शरीर की स्थिति बताते हो इनको, कैसे बाल सफेद हुए और अब काले क्यों करने पड़ते हैं सब? आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो एक दो बार बुरा मान गए थे, मेरे को पता लग गया अरे आदमी ऐसा ही है, बहुत दिनों तक पता नहीं लगता ना लोगों को।
यार ऑनलाइन कट गया है, पता है 4 बजे तक का ही टाइम था, उसमें फीड होता है ऐप में, लेकिन कोई नहीं, अब उनको घर से कर लेंगे थोड़ा सा। तो कितना आ गया? एक वस्तु 4x% की छूट पर बेची जाती है, इसका मतलब कि 100 माइनस 4x और ये 100 प्लस, तो वह 20% की हानि से बिकती है। 100 माइनस 20, आहा सब माइनस हो रहा है। यदि वह केवल एक्स परसेंट की छूट दी जाती तो 100 माइनस x, तो ये कितना होता, तो 25% के लाभ पर बिकती 125, यानी कि इसका इसका अनुपात कितना आ गया, 80/125 का मतलब है 16/25, 16/25 एक्स कितना आ रहा है, बड़ी गंदी आ रही है, 2500 और 1600, 900 बराबर, ये 2500 का 100x, 84x, 900/44 नहीं 84, 900/84 आ रहा है हमारा। तो x का मान ही तो पूछा है इन्होंने, और तो कुछ पूछा ही नहीं, तो ये 6 से कट जाएगा, 150/14, 140 होता तो 10 आता, 11 पॉइंट समथिंग आ गया, नहीं 10.71 आएगा, क्योंकि वो 10 से कम है ना, समझ गया मैं तो तभी कि कुछ ना कुछ झमेला है। नहीं, एक्स तथा वाई एक भी वस्तु बेचते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 है, एक्स पूरे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, जबकि वाई बारे, हाँ मैंने समझ, वैसे आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है, वो सोचना आपका एकदम सही है, मैं जानता हूँ आपको, आप नहीं जानते शायद, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वक्त कम है हमारे पास, सोच तो हम भी लें, बहुत अच्छा। अच्छा, पूरे प्री के हर सेट में एक ही सवाल आया, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सवाल था, वो ये हो चुका है, चलो ये कंप्लीट हो गया भाई, फ्री वाले क्वेश्चन कहाँ पड़े हैं हमारे, 22 अगस्त, इसमें कितना आ रहा है, अरे ये बहुत आसान सवाल है, देखो कुछ नहीं, आप बताओ, इसने बोला है कि सीपी और एमपी का रेशियो है, सीपी और एमपी का रेशियो कितना है, 4/3, और लाभ परसेंट और बट्टे का अनुपात, लाभ परसेंट कितना है, परसेंट प्रॉफिट, और परसेंट डिस्काउंट का अनुपात कितना है, 3/4, यही है। तो आप बताओ परसेंट प्रॉफिट को मैं पी बटे एम सी पी और इसको डिस्काउंट बटे एम पी लिख सकता हूँ या नहीं, बराबर 3/4। तो आपने देखा यहाँ से पी वाई डी कितना आ गया, 3/4 × CP/MP, ये होता है। तो जब आप CP/MP या 4/3 करोगे तो ये 1/1 आ जाएगा, यानी कि मुझे ये पता लग गया कि पी और डी जो है प्रॉफिट भी एक है और डिस्काउंट भी एक है, यानी इन दोनों का अंतर 2 बना लेते हैं, ये उल्टा लिख दिया क्या हमने, सीपी और एमपी दिया ही सवाल में गलत है, इंग्लिश में सही है, एमपी बटे सीपी बराबर 4/3 है, नहीं सही है ना, मैंने तो वो भी उल्टा लिखा, तो मेरा तो सही है ना, अच्छा मैं तो, मुझे तो पता है कि क्या करना है, मुझे मुझे अपना पता है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तो ये हमने कितना मान लिया, 6, यानी 1 फायदा SP, 7 1 डिस्काउंट, ये 8, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा, 1/6 = 16 से 2/3%, अभी छुट्टी कर रहा हूँ।